महाभाग्य में हम देखते हैं कि तनु सबको कहती है कि चोरी प्रज्ञा ने की है। दूसरी ओर अभी घर पे जल्दी आने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सब पता चल जाता है कि प्रज्ञा ये सब घर से निकलने के लिए कर रही है। घर पे तनु दादी और दासी को प्रज्ञा के रूम में ले जाती है सबूत दिखाने और उसे बैग मिल जाता है। पैसों से भरे बैग को प्रज्ञा के रूम में देखकर दादी परेशान हो जाती है और नीचे जाके प्रज्ञा से सच उगलवाने के लिए प्रज्ञा की मॉम सरला जी को घर बुलाती है। जब प्रज्ञा सुन लेती है कि दादी माँ को बुला रही हैं, वो घबरा के तनु से कहती है कि ये सब नाटक हमें बंद करना होगा। पर तनु चुपके से इशारा करती है कि उसके बच्चे का क्या होगा और प्रज्ञा लाचार होकर दादी के सामने हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि चोरी उसने ही की है पर उसकी माँ को ना बुलाए। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब झगड़े के बीच जब सबको पता चलता है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है उनका रिएक्शन कैसा होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।